अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ुबैर अहमद 516 यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए आज एक ब्लॉग बनाया जाए। दोस्तों मैं छुट्टियों में अपने गांव में आया हुआ हूं और आपको तो पता है अंदरूनी सिंध में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और हमारे यहां पे नहरी जो पानी है वो सूखा हुआ है और हम अपनी फसलों को पानी यहाँ पर ट्यूबवेल के ज़रिए दे रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ट्यूबवेल किस तरह चल रहा है और यहाँ पर वो उसका पानी बहुत ही साफ़ है और बहुत ठंडा है। तो दोस्तों ये देखें, ये पानी नीचे जा रहा है ये फसलों की तरफ। दोस्तों ये यहाँ पे मैं नहा के गया हूँ, ये बहुत ही ठंडा पानी है उसका, बहुत ही साफ पानी। दोस्तों इस तरह का कुछ इसका व्यू है ट्यूबवेल का। ये आप देख रहे हैं कि ये ज़मीनों को पानी जा रहा है, ये सामने यहाँ पे जाके, यहाँ पे गन्ने की फसल हमारे पास बहुत होती है दुबने सिंध में। ज़्यादातर हम यहाँ पर गन्ने की फसल ही काश्त करते हैं और ये देख हमारे चारों तरफ जो है गन्ने की फसल है। ये ट्यूबवेल के यहाँ से ये जो है ना, मैं आपको दिखाता चलूँ, ये जो है ना, ये यहाँ से नीचे से बोर हुआ हुआ है, यहाँ से पानी निकलता है। फिर ये जो इंजन, ये इसकी मदद से हम ये जो ना नीचे पंखा घूम रहा है और नीचे पानी को खींच रहा है। तो ये डीजल की टंकी आपके सामने, और ये जो हमारे चारों तरफ जैसा गन्ने की फसल बोई हुई है हमने, तो यहाँ पे नहरों में पानी अभी सूखा हुआ है जिसकी वजह से हमने ट्यूबवेल को चलाया हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को इसके बारे में कुछ दिखाया जाए। दोस्तों ट्यूबवेल का पानी बहुत ठंडा है और ये देखें आप, यहाँ पर ये पानी जा रहा है ज़मीनों की तरफ और यहाँ से हम जो है ना अपनी फसलों को पानी देते हैं। ये कमेंट सेक्शन में आके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपका भी कभी इत्तेफाक हुआ है ट्यूबवेल पे नहाने का। अगर हाँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताएं ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो